दोस्तों, आपने सूजी की इडली तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ सूजी के बर्गर की रेसिपी। ये दोस्तों कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इसमें मैंने सूजी के बंस बनाए हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसमें मैंने एक स्पेशल ट्रिक करी है जिससे कि आप जब सूजी के बन बनाओगे ना तो एकदम नरम नरम बन जाएंगे, और आप जब ये बर्गर बनाओगे और बच्चों को खिलाओगे तो सच में उनका दिल खुश हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्गर बंस की, यानी कि सूजी के बंस की। अगर आपको सूजी के इंस्टेंट बंस बनाने हैं तो सूजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर आपने सही से करी तो आपके बंस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आएंगे, लेकिन अगर आपने सही नहीं करी तो बंस थोड़ी देर में ही हार्ड हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आज ये देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक कप सूजी ली है, ये दानेदार सूजी है, मोटे दाने वाली, और उसमें आपने एक कप दही डालनी है। अभी दोस्तों पानी बिल्कुल नहीं डालना, जितना आप सूजी लोगे उतना ही आप दही डालना। इसमें नमक डालना और एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून तक चीनी डालना। यहाँ पे आपने नोटिस किया ही होगा कि मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डाला है, सिर्फ दही डाली है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया है ताकि सूजी जो फूलेगी ना वो दही से ही फूलेगी और एकदम सॉफ्ट रहेगी। और यहाँ पर चीनी क्यों डाली है इतनी? चीनी दोस्तों पानी को होल्ड करके रखता है जो कि आपके बर्गर बंस को एकदम जूसी बनाएगा। खैर, आपने इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक हम यहाँ पर आलू का एक सिंपल सा मसाला बना देते हैं। मैं तो एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ जिसमें मैं हरी मिर्चे, लहसुन और अदरक इनको कूट लेता हूँ। ये जो फ्रेश कूटने का जो स्वाद आता है ना, वो सच में फ्लेवर को एनहांस कर देता है बहुत ज्यादा। आप बस गैस ऑन करके पैन में थोड़ा सा तेल डालना, 2 चम्मच तेल ही काफी होगा, और गरम गरम तेल में आप थोड़ी सी मूंगफली को रोस्ट कर देना। बर्गर की टिक्की में थोड़ी क्रंची क्रंची मूंगफली आएगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही मूंगफली थोड़ी सी तिड़कने लग जाए और एक चटकने की आवाज आने लग जाए तो आप यहाँ पर डालना हींग, मस्टर्ड सीड्स, जीरा और भर के करी पत्ता। कोई कंजूसी मत छोड़ना करी पत्ता में। मैंने यहाँ पर थोड़ी चना दाल और थोड़ी धुली उड़द की दाल भी डाली है, और इन सब चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये बहुत बढ़िया फ्लेवर भी देंगी और हमारी टिक्की में एक क्रंचीनेस, एक टेक्सचर भी देंगी। जैसे ही ये सारी चीजें रोस्ट हो जाए, आप यहाँ पर प्याज डालना और वो जो हमने पेस्ट बनाया था ना कूट के, अदरक लहसुन मिर्ची का, वो यहाँ पर डाल देना। और प्याज को अदरक लहसुन के साथ सिर्फ 2 मिनट आपने भुनना है, बेसिकली इसका कच्चापन दूर करना है। फिर आप यहाँ पर मटर डाल देना। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है तो ज्यादा देर इनको पकाना नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो फिर आप इस सारे की एक राय पर पानी फेर देना, माने आधा कप पानी डाल देना। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर, यही मसाले चाहिए, और कुछ आप अलग से डालना ही मत, इसी में ही काम बढ़िया हो जाएगा। बस मसाले को पानी में अच्छे से मिला देना और 3 उबले हुए बड़े बड़े आलू डाल देना इसमें। आप जब टिक्की बनाओगे तो चंकी चंकी आलू को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो जो पाव भाजी वाला मैशर होता है ना, उससे आप आराम से आलू को मैश कर देना ताकि इसका पेस्ट सा बन जाए। और ऐसे ही धीरे धीरे मिलाकर दोस्तों आपकी बहुत बढ़िया सी आलू का मसाला तैयार हो जाएगा जो कि आप अपने बर्गर बंस में आराम से फिट कर पाओगे। चलो ये तो हो गया आलू का मसाला, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि सूजी का क्या हुआ। आप ये देखो दोस्तों, सूजी जो है वो एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और बिल्कुल ऐसी ही आपको चाहिए। तो अब आप यहाँ पर पानी डालना। और मुझे पता है कि घर पे आप ये स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं करते होगे, तो ये स्टेप जरूर करना कि पानी डालकर लगभग 5 मिनट तक सूजी को अच्छे से फेंटना। ऐसे फेंटने से दोस्तों सूजी में एक बाइंडिंग आती है जिससे कि जब हम इसमें हवा भरेंगे ना तो वो और भी सॉफ्ट बन जाएगी। और अब खुद ही देखो कैसे दानेदार सूजी थी और अब कैसे पेस्ट सी हो गई है। फेंटने के बाद ही मैंने क्या किया है कि आधा चम्मच इनो डाला है। आधा चम्मच काफी होगा, बहुत ज्यादा इनो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ में आप थोड़ा सा पानी डालना। और अब दोस्तों आपको हाथ थोड़े से तेज चलाने होंगे। मैंने क्या किया था कि मैंने पहले ही अपनी कटोरियों में तेल लगा के रखा था ताकि मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, और मैंने अपने कढ़ाई में थोड़ा पानी डालकर उस गैस को ऑन कर दिया था ताकि स्टीमर गर्म भी हो जाए। अब सीधा ही आप बैटर कटोरी में डालना, और इस बात का ध्यान जरूर देना आप आधा भरना कटोरी को, गलती से भी कटोरी को ज्यादा मत भरना दोस्तों,
अगर आपने बाय चांस बहुत ज्यादा भर दिया कटोरी को, तो आपके जो बर्गर बंस है वो फटके बाहर आ जाएंगे। ये देखो, ये एक मैंने पूरा भर के बनाया है, तो ऊंचा तो बहुत बना है लेकिन इसमें ऊपर से क्रैक्स आ गए हैं और ये बिल्कुल खाने में भी बैलेंस नहीं लगेगा। तो आप छोटे पतले बन ही बनाना, और इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अपनी कटोरी को आधा ही भरना, तभी एकदम सही बनेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक कप सूजी में लगभग 6 बन के आसपास बना लिए हैं। मैंने बस कढ़ाई में पानी गर्म किया है और उसमें एक ऐसे वायर रैक रख दिया है, और इसी रैक के ऊपर आप यहाँ पर सारी कटोरियां रख देना। सिर्फ आपको 10 से 12 मिनट इसको स्टीम करना है मीडियम लो फ्लेम पे, और उतनी देर में ही आपकी बर्गर के जो बंस हैं वो आराम से तैयार हो जाएंगे। 12 मिनट बाद जब ढक्कन खोलोगे तो आप देखना कितने बढ़िया तरीके से फूले होंगे, और सीधा ही इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अभी इनको मत निकालना कटोरी से, नहीं तो सारे चिपके चिपके होंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 5 मिनट में ही पंखे के नीचे ठंडे हो जाएंगे, फिर आप चाकू एक फेरना साइड्स में और आराम से टैप करके हमारे बर्गर बन निकाल लेना। है ना दोस्तों, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। सूजी का अगर आप बर्गर बना रहे हो तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। नॉर्मली जब आप बर्गर बनाते हो तो आप टिक्की को फ्राई करते हो तेल में, उसके बाद फिर उसमें मेयोनीज डालते हो और उसको पूरा अनहेल्दी बना देते हो। नहीं नहीं दोस्तों, सूजी का बर्गर एकदम हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। इसमें आप बस मुझे सूजी का सॉफ्ट सा बन है उसको काटना और उसमें ऐसे आलू का मसाला लगा देना सीधा ही डायरेक्टली, थोड़े भर के लगाना। जब दूसरा बन रखोगे तो आप खुद ही देखना एक बढ़िया सा बर्गर मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता इसको, मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से ट्रीट करता हूँ जिससे और भी टेस्टी बन के आता है। मैं क्या करता हूँ कि तवे पे थोड़ा सा तेल डालता हूँ और उसमें मस्टर्ड सीड्स, सेसमी सीड्स डालता हूँ। भाई बच्चों को फील भी तो आनी चाहिए ना कि बर्गर ही खा रहे हैं। और हल्का सा इस बर्गर को आप रोस्ट कर लेना ऊपर नीचे दोनों तरफ। ऐसे रोस्ट करने से ये करारे हो जाते हैं ऊपर और नीचे से, और जो टेक्सचर आता है ना, ओहो हो दोस्तों, मजा आ जाता है। बंस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और ऊपर नीचे से थोड़े से करारे, और जो आलू का मसाला है वो एकदम चटपटा सा, स्पाइसी सा। हाँ लेकिन अभी रेसिपी खत्म नहीं हुई है, आप इसको और भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हो। इसको और एनहांस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि बन हटा कर उस पे ऊपर की तरफ चटनी लगा देना, केचप लगा देना, जो आपका दिल करता है। मैंने तो हरी चटनी लगाई है एकदम तीखी वाली, और साथ में कटे हुए प्याज टमाटर। ये अगर आप बच्चों को नाश्ते में दोगे ना, उनको यकीन ही नहीं होगा, और बाजार के वो जो बर्गर होते हैं उनसे कहीं बेहतर है ये दोस्तों। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपके सुबह का नाश्ता कर दिया ना मैंने आसान, एकदम हेल्दी रेसिपी। ये तो था सूजी का बर्गर, लेकिन क्या आपने कभी सूजी का सैंडविच खाया है? सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये वाली वीडियो देखना, बहुत ही इजी इंस्टेंट सैंडविच आप बना सकते हो, वो भी सूजी का, जो कि एकदम टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी।